मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के बहने वाली सरयू नदी, राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज किया गया, तो वहीं रोहिणी नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज किया गया। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में बहने वाली सरयू नदी, राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज किया गया है और रोहिणी नदी में घटाव जारी हो गया है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से आने वाले 2-3 दिन तक सरयू नदी और राप्ती नदी में बढ़ोतरी होती रहेगी। उसको ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी कार्यालय से तहसीलों और सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार सभी अधिकारी फील्ड में दौरा कर रहे हैं। तटबंधों का निरीक्षण और रिपोर्ट लगातार आपदा कार्यालय भेजा जा रहा है। सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बाढ़ चौकियां सभी अलर्ट पर हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी गोरखपुर में जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, घाघरा जिसे हम लोग सरयू जी भी कहते हैं और राप्ती और रोहिन, तो राप्ती और घाघरा में तो जलस्तर में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन एक गुड साइन ये है कि रोहिन में घटाव प्रारंभ हो गया है। रोहिन का जलस्तर धीरे धीरे घटना भी शुरू हो गया है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले 1-2 दिनों में राप्ती और घाघरा, चूँकि ऊपर पहाड़ों पर बारिश पूरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों तक और नदी का जलस्तर बढ़ेगा। उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं वो लगातार फील्ड का विजिट भी कर रहे हैं। आज भी बहुत से अधिकारीगण फील्ड में हैं और तटबंधों का निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट और उसकी आख्या से हम लोगों को लगातार आपदा कार्यालय को अवगत करा रहे हैं। इस समय सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग और हमारे ये क्या कहते हैं पुलिस विभाग की जो टीम है ये लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बाढ़ चौकियां सारी अलर्ट पर हैं, तो कहीं भी इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।